हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। फ्रेंड्स, बारिश ख़त्म होने के बाद क्या आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है? आपका प्लांट बहुत ही बेजान रूखा सा है, आपको उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बताऊँगी, अगर आप उसका यूज़ अपने प्लांट पर करते हैं तो आपके प्लांट में आपको ग्रोथ भी अच्छी दिखेगी और आप देखेंगे कि आपके प्लांट पे इस तरह से फ्लावरिंग भी हो रही है। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपके प्लांट में बर्ड ड्रॉप की समस्या आ रही है, फूल खिलने से पहले ही कलियां गिर जा रही हैं, तो ये फर्टिलाइज़र उसके लिए काफ़ी कारगर है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बारिश ख़त्म होने के बाद आप देखेंगे आपके प्लांट में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल कमज़ोर सा हो जाता है। आप देखेंगे कि उस पर कोई ग्रोथ भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, बारिश ख़त्म होने के बाद तुरंत आपको अपने प्लांट पे कुछ ऐसे काम भी करने होते हैं और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है, जिससे आपका प्लांट आगे चल के अच्छे से ग्रोथ करे और उसमें इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग हो। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि बारिश ख़त्म होने के बाद आपको अपने प्लांट पे कौन से काम करने होते हैं जिससे आपका प्लांट ग्रोथ भी करता रहे और उसमें बर्ड ड्रॉप की जो समस्या है वो भी ना हो और आपका प्लांट इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग करे। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बारिश ख़त्म हो गई है तब भी मेरे प्लांट पे आप देख सकते हैं, मेरे एडेनियम के प्लांट हो, चाहे वो गुड़हल के प्लांट हो, चाहे अपराजिता या फिर गुलाब के प्लांट, मेरे सारे प्लांट पे बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, जिससे मेरा गार्डन पूरी तरह से महक उठा है। फ्रेंड्स, बारिश ख़त्म होने के बाद आपको अपने प्लांट की मिट्टी को चेक करना है। आप देखेंगे लगातार बारिश की वजह से आपके प्लांट की मिट्टी सख्त हो गई होगी। आपको सबसे पहले तो अपने प्लांट की मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करना है, जिससे आपके प्लांट की मिट्टी हल्की रहे और उसमें हवा का संचार रहे, जिससे आप इसमें जो भी फर्टिलाइज़र देंगे वो तुरंत जड़ों तक पहुँचे और आपकी जड़ें उसे एब्जॉर्ब करके आपके प्लांट तक पहुँचाएँ, जिससे आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ भी होगी और आपके प्लांट में जो भी समस्या आ रही है उससे आपको छुटकारा भी मिले। तो आपको सबसे पहले अपने प्लांट की मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। ये देखिए। तो दोस्तों, दूसरा काम आपको ये करना है, अगर आपके प्लांट पे कोई भी सूखी हुई पत्तियां हैं या फिर पीली हुई पत्तियां हैं तो आपको उसे हटा देना है, जिससे आपका प्लांट अधिक एनर्जी उसकी ग्रोथ में और फ्लावरिंग में लगाए। आपकी प्लांट पे अगर सूखी हुई पत्तियां रहेंगी तो ये आपके प्लांट की एनर्जी को वेस्ट करेंगी, तो आप इन्हें हटा दें। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं वह कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आज मैं अपने प्लांट में दूँगी, जिसे आप भी अपने प्लांट में दे कर इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो दोस्तों, चलिए अपने फर्टिलाइज़र को हम बनाते हैं। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये प्याज के छिलके लिए है। प्याज के छिलके को मैंने एक दिन पहले ही भिगा के रख दिया था। ये देखिए, प्याज के छिलके पानी में अच्छी तरह से गल गए हैं। इसमें जो भी पोषक तत्व थे वो पानी के साथ अच्छी तरह मिल गए हैं और प्याज का छिलका पानी में भी मिल गया है। दोस्तों, ये प्याज का छिलका बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग में मदद करते हैं। मैंने प्याज के छिलके के साथ साथ ये लिया है चावल का पानी। दोस्तों, चावल का पानी हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, पर दोस्तों ये चावल का पानी बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। चावल के पानी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आप भी चावल के पानी को ऐसे रख कर अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है कि जो हमने प्याज के छिलके एक दिन पहले भिगा के रखे थे, हम इसे छान लेंगे। दोस्तों, मैंने एक जार ले लिया है, अब मैं छन्नी की सहायता से इसे छान लूँगी। ये देखिए हमारे प्याज के छिलके का पानी कितनी अच्छी तरह से इसमें मिल गया है। अब दोस्तों, इस स्टेज पे हम इसमें ये चावल का पानी मिलाएंगे। ये मैंने चावल का पानी लिया है, अब मैं इसमें ये चावल का पानी मिलाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने चावल का पानी मिला दिया है। ये लगभग 1 लीटर
से कम ही फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व है और साथ ही साथ पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस है, जो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा है, जिससे आपके प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। और अगर आपके प्लांट में बर्ड ड्रॉप या फिर आपके प्लांट में कलियां नहीं बन रही है, आपके प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता खो गई है या फिर आपके प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान है यह फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, अब मैं यह फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूंगी, जिससे मेरे प्लांट में लगातार अच्छी ग्रोथ हो और मेरा प्लांट एकदम हेल्दी और अच्छा रहे, जिससे मैं अपने प्लांट्स में अधिक से अधिक फ्लावरिंग ले सकती हूँ और मेरे प्लांट काफ़ी हेल्दी प्लांट रहे। आप देख सकते हैं मेरे ये गुलाब का प्लांट है, कितनी अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी बरसात के बाद अपने प्लांट में इसी तरह से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो यह फर्टिलाइज़र बना के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप अपने घर पर बना सकते हैं, यह फर्टिलाइज़र बना के अगर आप भी अपने प्लांट में देते हैं, तो आप इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।